भाजपा दुर्ग जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने कहा, कांग्रेस सरकार ने जनता से छलावा किया था, उसी के परिणाम स्वरूप उन्हें चुनाव में देखने को मिल रहा है। जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा किया है, यही वजह है कि छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा प्रत्याशियों ने जीत का परचम लहराया है। जिस तरह से भाजपा की बढ़ती बढ़त को देखते हुए यहाँ पर कार्यकर्ता सहित पार्टी के वरिष्ठ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। भाजपा के जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा से कि किस तरह से देखते हैं जो आज भाजपा जिस मुकाम पर पहुंची है, इनकी पार्टी के जो लोग बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे हैं, इनसे बात करेंगे कि किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से इसका रिजल्ट आना था क्या उससे अच्छा आ रहा है, या जनता क्या कहना चाहती थी इसको लेकर क्या बात। आज के जो पूरे परिणाम आ रहे हैं उसके लिए परमात्मा तुल्य मतदाताओं, देव और देवी तुल्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं बहनों को मैं साष्टांग प्रणाम करूंगा कि उन लोगों ने छत्तीसगढ़ में जनादेश भारतीय जनता पार्टी के लिए दिए हैं। और देने का मूल कारण है कि आज से 5 साल पहले, 5.5 साल पहले तत्कालीन कांग्रेस के नेताओं ने चुनाव पूर्व माँ गंगा के जल को हाथ में लेकर के 36 लोक लुभाने वादे किए थे, उसमें से एक भी वादे पूरे नहीं कर पाए। भय, भूख, भ्रष्टाचार, अत्याचार, अन्याय और हमारे दुर्ग भिलाई में महादेवा ऐप जैसे जो कुसंस्कृति ने प्रदेश ही नहीं, प्रदेश से बाहर देश और देश ही नहीं देश से बाहर जो बदनाम विधानसभा क्षेत्र अहिवारा परिणाम आज 13वें चक्र की गणना के पश्चात परिणाम इस प्रकार है। इंदर लाल लहरे 1088.08, रोमन लाल पोते वाला नाम मिला था 65,600 और 5 सालों में जनता जनार्दन ने लोगों को जनादेश दिया था। निर्मल गोदरे का सम्मान 57,716 के मतदाताओं ने कांग्रेस को सफाया करके भारतीय जनता पार्टी 1002 1002